चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आपका खून सामने वाले के खून में जब तक टच नहीं होगा किसी भी माध्यम से, तब तक हेपेटाइटिस बी और सी फैलेगा नहीं। हेपेटाइटिस सी और बी जानने के लिए खाली एक ही तरीका हो सकता है कि हम बार बार उसका जांच करा लें। ज़्यादातर क्या है कि हेपेटाइटिस बी एक इंसान को है, वो दूसरे को बता ही नहीं रहा और दूसरे एक से दूसरे में फैल जा रहा है। हेपेटाइटिस सी का जो आउटकम है, रिज़ल्ट जो है, वो बहुत ख़राब है। जिसको भी होता है वो बहुत ही पुअर प्रोग्नोसिस के साथ आगे बढ़ते हैं। नमस्कार साथियों, सीसी में आप सभी का स्वागत है। हेपेटाइटिस जो एक बीमारी है वो तो आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन उसके बारे में एक्चुअल क्या हेपेटाइटिस होता क्या है और उससे बचाव और उसके रोकथाम के क्या कारण होते हैं, आज हम जिला शामली में आए हैं। जिला शामली के एक सृष्टि हॉस्पिटल में आज हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं और जानते हैं कि हेपेटाइटिस बीमारी होती क्या है और इनके बचाव के और इनके जो लक्षण होते हैं वो होते क्या है। जी सर, सबसे पहले तो आपका सीसी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं डॉक्टर मदन मोहन झा, मैं बतौर कंसल्टेंट फिजिशियन सृष्टि हॉस्पिटल में नियुक्त हूँ। हेपेटाइटिस बी, जैसा कि आप जानना चाह रहे हैं या हेपेटाइटिस के बारे में जानना चाह रहे हैं, हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को एक बार लग गई तो वो जाने का नाम नहीं लेती, वो जल्दी ख़त्म नहीं होती। हेपेटाइटिस के कारण कई सारे हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण जो देखा जाए वो ये है कि ड्रग इंड्यूस्ड, यानी दवाई खाने से जो हेपेटाइटिस हो रही है। आजकल पूरे दुनिया में देखा जा रहा है कि कोई भी बीमारी किसी को भी हो, इंसान जो है पैरासीटामोल तुरंत खा ले रहा है, या पैरासीटामोल से नहीं कंट्रोल होता है तो निमोसलाइड नामक दवाई खा ले रहे हैं। इससे होता यह है कि वो लीवर को फेलियर लंबे समय में करा देता है। ये तो हो गया एक प्रकार की हेपेटाइटिस जो दवाई खाने से होती है। दूसरे प्रकार की जो हेपेटाइटिस हमने देखी है वो ये कि मरीज जो है ये हिस्ट्री देता है ज़्यादातर कि वो दारू वगैरह पीता है, अल्कोहल ज़्यादा इंटॉक्सिकेट करता है। अल्कोहल ज़्यादा पीना भी हेपेटाइटिस का एक बहुत बड़ा कारण है और ज़्यादातर मरीज जो है अल्कोहल इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, यानी अल्कोहल पीने के वजह से जो हेपेटाइटिस होता है उसके हमारे पास आते हैं। पहला तो हो गया दवाई खा के जो हेपेटाइटिस हुआ, दूसरी चीज़ अल्कोहल वाला, तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो है वायरल डिसीज़। जैसे इन्फेक्शन के कई सारे कारण हो सकते हैं, मान लीजिए कि जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया। ऐसे ही लीवर में जो इन्फेक्शंस वायरस द्वारा होता है उसे हम वायरल इन्फेक्शन लीवर का कहते हैं। उनमें से जो मुख्य हैं वो हैं हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी और ई। हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो पानी द्वारा फैलते हैं। अगर आपने कहीं का गंदा पानी पी लिया किसी भी रूप से तो वो हेपेटाइटिस ए और ई हो सकता है। ई अगर प्रेगनेंसी में होता है तो बहुत सीरियस हो जाता है, बच्चे और माँ की दोनों की जान जाने का खतरा रहता है। ए हालांकि माइल्ड सिम्टम्स देता है, कुछ नहीं भी कीजिएगा तो पानी वगैरह पीजिएगा, जूस पीजिएगा, थोड़ा सिम्टोमेटिक केयर खाली लीजिएगा तो कुछ दिनों में अपने आप ए चला जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि हेपेटाइटिस हुआ और कोई जड़ी फूक करने के लिए जो है ना किसी बाबा के पास पहुँचे और उन्होंने जो है ना झाड़ दिया, बेसिकली वो जो कहते हैं कि कुछ जड़ी बूटी दे दी और हेपेटाइटिस अपने आप ख़त्म हो गया, उस तरह के हेपेटाइटिस को हम बोलते हैं हेपेटाइटिस ए। जनरली कई बार हेपेटाइटिस बी और सी भी शुरुआती लक्षण जो हैं, शुरुआती पलों में जो है जॉन्डिस वगैरह दिखेगा पेशेंट को, शरीर में इचिंग होगी, आँखों में पीलिया दिखेगा, लैटरिंग कई बार इंसान को सफ़ेद कलर की भी आ सकती है। हमें हमेशा हेपेटाइटिस में ये ध्यान रखना है कि अगर लैटरिंग सफ़ेद कलर की आ रही है तो वो किसी भी दवाई द्वारा ठीक नहीं होगी। उसके लिए हमें सर्जन के पास जाना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं कुछ रुकावट के वजह से, पित्त का जो रुकावट है, लीवर पित्त बना रहा है और आगे जो जा रहा है उस रास्ते में अगर रुकावट है, उसके कारण अगर बन रहा है पीलिया, उसके कारण अगर हेपेटाइटिस हो रहा है तो हमें एक सर्जन की सलाह मशवरा लेना चाहिए। हेपेटाइटिस बी और सी जो होते हैं वो आम जनता में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे मैं बताऊँ, शामली कैराना जैसे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि हेपेटाइटिस सी पाया गया है। हेपेटाइटिस बी और सी दोनों ही सिर्फ
खून के संक्रमण से फैलते हैं। खून के संक्रमण कैसे हो सकता है? जैसे कि अगर आपस में कोई संबंध बना रहे हैं पति पत्नी, या फिर आप वहाँ गए शेविंग कराने के लिए उसके पास, सलून वाले के पास, और सलून वाले ने यूज़ किया हुआ ब्लेड आपको लगा दिया, तो हो सकता है। या तो कभी आपने ब्लड प्रॉपर चेक नहीं किया और जल्दबाजी में ब्लड चढ़ा दिया, जैसे अमिताभ बच्चन को हुआ था कुली मूवी के टाइम। कुली मूवी में चोट लग गई थी और 12 बोतल के आसपास 12 यूनिट खून चढ़ा था। अब 12 यूनिट खून चढ़ने में एक हेपेटाइटिस बी वाला भी उनको चढ़ गया, जिसके कारण ये हुआ कि उनको हेपेटाइटिस बी हो गया और अब वो आजीवन हेपेटाइटिस बी है, उनके शरीर से निकल नहीं रहा। ऐसे ही हमारे शरीर में एक बार हेपेटाइटिस बी हो गया तो वो कभी ख़त्म होगा नहीं। अगर हेपेटाइटिस बी ख़त्म नहीं होगा तो इसके बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं कि अगर हमें नहीं पता है कि हमारा पार्टनर कौन है, उसका स्टेटस के बारे में नहीं पता, तो हम कॉन्ट्रासेप्शंस यूज़ कर सकते हैं। बार्बर के पास जाएं तो हम हमेशा नया ब्लेड इस्तेमाल कर सकते हैं। और हेपेटाइटिस बी और सी दोनों के लिए क्या कर सकते हैं कि जब भी खून चढ़ाएं तभी केवल ब्लड बैंक से लें और दोबारा चेक करा के लें कि उसमें हेपेटाइटिस बी या सी पॉजिटिव तो नहीं कहीं। ये सब प्रिकॉशन लेंगे तो ठीक रहेगा। घर में भी, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया एक सुपरस्टार का, घर में भी अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर बी है तो वो बी ऐसे खाने पीने से या उससे नहीं फैलेगा, मच्छर काटने से भी नहीं फैलेगा। आपका खून सामने वाले के खून में जब तक टच नहीं होगा किसी भी माध्यम से, तब तक हेपेटाइटिस बी और सी फैलेगा नहीं। लेकिन इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे ही बीमारी हो वैसे ही हम उसका इलाज करा लें। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसका हमें पता है कि उसका इलाज नहीं है, लाइलाज है, तो ऐसे में हमें वैक्सीनेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शन्स दिए हैं जो 0, 2 और 6 मंथ्स पे लग जानी चाहिए। इसी तरह से जब हम बड़े होते हैं और अगर मान लीजिए हेल्थ प्रोफेशनल हैं, किसी को इंजेक्शन्स वगैरह लगा रहे हैं या नर्स हैं, तो वो टाइमली जो है अपना वैक्सीनेशन कराते रहना चाहिए। उनको समय समय पे वैक्सीनेशन कराएंगे तो हेपेटाइटिस बी अगर होता भी है उनको तो उतना सीवियर नहीं होगा। ज़्यादातर लोग तो भारत में ऐसा करते हैं कि हेपेटाइटिस का जो है दवाई जो है खाना शुरू करते हैं और कुछ हद तक अगर कंट्रोल आ जाता है तो वो खाना बंद कर देते हैं और फिर जब बढ़ता है तब खाना शुरू करते हैं। जबकि वेस्टर्न मीडिया में ये चीज़ें हैं और सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि जीवन भर हेपेटाइटिस बी की दवाई खा रहे हैं, वो वही खाना चाहिए ताकि जो है ये डिसीज़ का प्रोग्रेशन कहीं ना कहीं थम सा जाए। हेपेटाइटिस सी जहाँ की हेपेटाइटिस सी की जो बात करें, हेपेटाइटिस सी अपने आप में बहुत घातक बीमारी है। हेपेटाइटिस सी और बी जानने के लिए खाली एक ही तरीका हो सकता है कि हम बार बार उसका जाँच करा लें समय समय पर। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है कि आपने ब्लड चढ़ाया हो या फिर आपने रेज़र यूज़ किया हो किसी का, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंजेक्शन से कुछ दवाइयाँ वगैरह लेते हैं, कुछ लोग अल्कोहल वगैरह मतलब दोस्त के साथ मतलब उस तरह की प्रवृत्ति करते हैं जिससे नशा वगैरह करते हों, तो उस तरह का कोई भी डाउटफुल चीज़ है तो आप 6-6 महीने में एक बार टेस्ट करा सकते हो। अगर पता चल जाए हेपेटाइटिस बी है, ज़्यादातर क्या है कि हेपेटाइटिस बी एक इंसान को है और दूसरे को बता ही नहीं रहा और दूसरे एक से दूसरे में फैल जा रहा है। हेपेटाइटिस सी की जो बात कर रहे थे हम, डेंजरस काफ़ी है बीमारी, इसलिए क्योंकि वो थोड़ी ही देर में जो है लीवर को पूरी तरह से ख़राब कर देता है। अभी हेपेटाइटिस बी की बात कर रहे थे हम, जीवन भर ख़त्म नहीं होता, शुरू हुआ और आखिरी जीवन के पलों तक चलता रहेगा और धीरे धीरे ख़त्म करते करते आपका लीवर का फंक्शन जो है 10% 20% इस तरह से कर देगा। लेकिन हेपेटाइटिस सी के बारे में अगर देखा जाए तो हेपेटाइटिस सी क्या करता है कि जल्द ही आपके लीवर को ख़राब करने लग जाता है। तो जॉन्डिस वगैरह हुआ, आप झाड़ फूक वाले के पास भी गए पर ये वाला जॉन्डिस तो ठीक होने वाला नहीं है, तो ये वाला ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। और साथ में हेपेटाइटिस सी जो है लीवर कैंसर भी करा देता है। हेपेटाइटिस सी ही एक ऐसा जो वायरस है लीवर वाला जो लीवर कैंसर करा देता है और फिर आदमी को लीवर बदलने या फिर बड़े ऑपरेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ जाती है। हेपेटाइटिस सी के बारे में अच्छी चीज़ ये भी है कि एक बार आपने उसका करा लिया कि कौन से टाइप का हेपेटाइटिस सी है और कितनी क्वांटिटी हेपेटाइटिस सी के एक मनुष्य के अंदर है,
तो हम क्या कर सकते हैं कि 3 से 4 महीने आपका इलाज चला सकते हैं और आप पूर्णतः ठीक हो सकते हो। ज़्यादातर मरीज़ क्या है, लेट से आते हैं, तब तक उनके पेट में पानी वगैरह भरने लग जाता है, जिसे एसाइटिस बोलते हैं। पेट में पानी भरने लग गया, लीवर फेलियर के मरीज़ आप अगर बनने लग गए, तब अगर काला पीलिया का यानी कि हेपेटाइटिस सी का इलाज भी कराते हैं आप, तो ज़्यादा कारगर नहीं हो पाता, क्योंकि लीवर तो उसने डैमेज कर ही दिया। हमने तो क्या है, वायरस को ही मार सकते हैं ना, लेकिन लीवर जितना ख़राब हो गया वो तो ख़राब ही रहेगा, तो वो तो ठीक हुआ ही नहीं कभी। इस कारण हेपेटाइटिस सी का जो आउटकम है, रिज़ल्ट जो है, वो बहुत ख़राब है। जिसको भी होता है वो बहुत ही पुअर प्रोग्नोसिस के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने बी और सी की बात करी है, तो इनके लक्षण, शुरुआती जो लक्षण होते हैं जो आम लोग जो है उसको इग्नोर कर देते हैं और जो है लोकल जो दवाई लोकली दवाई खाने शुरू, तो शुरुआती लक्षण क्या होते हैं उनके? शुरुआती लक्षण जैसे कि आम फीवर वगैरह के हुए है ना, जैसे कि कोई भी वायरल फीवर है, जिस तरह के वायरल फीवर के लक्षण होंगे वही हो गए हमारे साथ, जैसे कि बुखार आना, और जो बुखार है वो थोड़ा सा हाई ग्रेड हो सकता है आपको। दूसरी चीज़ें ये हो सकती है कि लीवर है, लीवर होगा तो हमेशा पित्त से रिलेटेड सिम्टम्स दिखाएगा, जैसे कि पीलिया हो जाना, आँखों में पीलापन नज़र आएगा, नोज़ के टिप पीली दिखेगी, नेल्स पीले दिखाई देंगे, उसके अलावा पेशाब बहुत ज़्यादा गाढ़ा पीला रंग का आएगा, इस तरह की चीज़ें हमें दिखाई देगी। और अगर इस तरह की चीज़ें दिखती है और शरीर में पूरी, जब जॉन्डिस बढ़ जाता है तो पूरे शरीर में इचिंग होती है, क्योंकि स्किन के अंदर पित्त इकट्ठा हो जाता है। अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है तो हमें तुरंत निसंकोच तुरंत एक डॉक्टर को, जो भी नज़दीकी चिकित्सक है, उन्हें संपर्क करके एक सलाह मशवरा ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर हेपेटाइटिस स्पेसिफिक की बात करें तो जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि हेपेटाइटिस जो है केवल वायरस ही नहीं कर रहे हैं, हेपेटाइटिस ज़्यादातर जो इंडिया में या फिर वर्ल्ड में जो आजकल आ रही है वो दवाइयाँ कर रही है। दवाइयाँ के स्पेशली दो नाम तो हमने आपको बता ही दिए। इंडिया में एक दवाई बैन भी होने पर है, निमोसलाइड जो नाइस करके दवाई मिलती थी, वो शायद बैन भी हो जाए, जो हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस कराती थी। और जो अल्कोहल है वो हम यूज़ करना बंद कर दें अपनी लाइफ में तो ज़्यादा अच्छा होगा, हेपेटाइटिस उससे भी बचा जा सकता है। आम तौर पे किसी भी इंसान को जो छूने से या पानी से या खाने से फैलने वाली चीज़ें हैं, जैसे हम स्विमिंग पूल में चले गए, एक जगह एंजॉय कर लिया, लेकिन हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे पूल में आप जा रहे हैं एंजॉय करने के लिए, उससे पहले आप नहाइए, निकलने के बाद तुरंत आप नहाइए, है ना। लेकिन ऐसे सार्वजनिक प्लेस पे जब भी आप जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि कहीं कोई ऐसा वायरस ना हो जो पानी से फैलता हो और जो आपको हो जाए। शुक्रिया बहुत। हम अभी डॉक्टर साहब से बात की है, जिन्होंने हेपेटाइटिस के बारे में बताया है कि ये पूरा हेपेटाइटिस होता क्या है और फैलता कैसे है और उसके रोकथाम के उपाय क्या होते हैं। तो जुड़े रहे शीशे के साथ, उत्तर प्रदेश से सीसी खबरें आप तक लाता रहेगा। धन्यवाद। देखो जी, स्विच ऑन।